हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ड्राइव एंड एक्सप्लोर के निर्णयों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शायद दिल्ली की सबसे मॉडिफाइड i20 के बारे में, जो कि अब तक मैंने देखा, जितनी i20 देखी है, इस जैसी i20 मैंने आज तक नहीं देखी है दिल्ली में, और ये दिल्ली की सबसे ज़्यादा मॉडिफाइड i20 होने वाली है। अभी हमारे साथ है भाई गौतम, जिनकी ये गाड़ी है और जिन भाई ने इस गाड़ी में अब तक काम करवाया है। तो एक एक जो जो भाई ने इसमें एसेसरी लगवा रखी है, स्टीरियो या फिर ये आप देख रहे हैं पिलर्स वगैरह का, जो भी जितना भी लगवाया है, एक एक चीज़ को अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, कहाँ से क्या, कितने प्राइस का क्या काम हो रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, कहाँ से कितना क्या काम हो रखा है इस गाड़ी में, कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको एक एक एसेसरी बहुत पसंद आने वाली गाड़ी। तो फ्रेंड्स, एक बार आप गाड़ी का आउटलुक देख लीजिए। आउटलुक में इसमें अलॉय डले हैं, ये अलॉय है नियो व्हील्स के, और इसके अंदर कॉन्टिनेंटल का टायर डाला हुआ है, जो कि 195/55R16 का टायर है इसमें। गौतम भाई, इसका अलॉय प्राइस क्या रहा होगा? ये अलॉयस हैं अपने 25,000 के। अलॉयस 25,000 के, मतलब चारों सेट 25,000 के। और टायर? ये टायर कॉन्टिनेंटल के मैंने डलवाए थे, 7,000 का पर टायर। तो ये फ्रेंड्स, गाड़ी का आउटर लुक है और आपने अलॉय देख लिए हैं, इसमें क्रोम फिनिश में ब्लैक अलॉय हैं, जो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं गाड़ी में, काफ़ी लुक एनहांस कर रहे हैं गाड़ी का। ये इसका बैक लुक है, इसमें भाई ने इसमें सेंसर लगवाए हैं, बैक कैमरा इंस्टॉल हुआ है, और ये बम्पर रिफ्लेक्टर आपने देखा होगा, आजकल रिफ्लेक्टर्स बहुत यूज होते हैं, ये इसमें इंस्टॉल है। रिफ्लेक्टर का भाई, रिफ्लेक्टर का प्राइस क्या रहा होगा इसके अंदर? रिफ्लेक्टर का प्राइस 1500 सेट का। हाँ जी, बाहर भाई ने इसकी रूट भी ब्लैक करवाई है। ये बताते भाई, कौन सी टाइपिंग है इसके अंदर? ये एवरी की है। एवरी की? क्या कॉस्ट रहेगी इसकी? ये अगर रूफ और साइड्स कराते हैं तो आप 7500 का आपको देख रहे हैं, ये रूफ और ये जो साइड में ये वाली 7500 की आपकी कॉस्टिंग आती है इसकी। और एवरी की ये फिल्म है, ये जो है इस पर टेपिंग जो रखती है। ये गाड़ी का आउटर लुक है इस टाइम। तो चलिए गाड़ी के अंदर देखते हैं, अंदर क्या क्या इसमें काम हुआ है। अगर आप लोगों को बाहर से रिलेटेड कुछ भी उससे पूछना है, रूफ की टैपिंग के या फिर अलॉय व्हील्स के बारे में, टायर से लेके, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इस रिलेटेड। तो चलिए अब गाड़ी को अंदर देखते हैं, इसमें क्या क्या काम हुआ है अंदर से। तो फ्रेंड्स, एक बार आप ये एक बार लुक देखिए गाड़ी का। इसमें जो सीट है वो कम्प्लीटली चेंज है, इसमें स्पोर्ट्स मोड की सीट डली हुई हैं दोनों सीटें इसमें, आप देख सकते हैं सीट का लुक कितना अच्छा है। और ये इसकी बैक सीट है, आप इसमें जो इसके अंदर कलर लगा हुआ है सीट कवर का, जो कि रेड और ब्लैक है, कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप देख रहे हैं इसमें साइड डोर ट्रेंस में भी रेड कलर लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसमें आप देख रहे हैं डैशबोर्ड का काम भी हो रखा है, डैशबोर्ड पे ये जो अपना फिनिश आ रही है रेड कलर की, काफ़ी अच्छी लग रही है। ये पेंट है, ये टेपिंग नहीं है, ये फाइबर पेंट है, ये फाइबर पेंट है। और इसकी कॉस्टिंग क्या रही भाई? इसकी कॉस्टिंग 20,000। ये 20,000 इसकी कॉस्टिंग है, ये फाइबर पेंट है। तो इसको डैशबोर्ड को निकाल के करते हैं, कैसे करते हैं? हाँ, ये निकाल के पूरा प्रॉपर फिट होता है, पूरा डैशबोर्ड निकल का है फिर फिट होता है। तो ये पिलर्स वगैरह पे भी इसमें आप सब निकल के, सारे पीसेस निकल के फिर पेंट होते हैं, फिर पेंट होते हैं, ठीक है। तो भाई, आप इस टाइम जो इस गाड़ी के अंदर सबसे अच्छी देखने वाली चीज़ है वो इसकी सीट है, आप देख रहे हैं इसमें वाइब्रेटर भी है, सीट है जो कि इसमें वाइब्रेटर है, ये देख सकते हैं आप, इसमें अपने अकॉर्डिंग ऑफ हाई लो, इसके साथ वाइब्रेटर जो है, इसके पावर बटन है, ये हीट भी करती हैं, जो कि आप देख रहे हैं दोनों सीटों में ये मिला हुआ है, इसमें ड्राइवर सीट में भी मिला हुआ है। अभी आप लोगों को फील तो नहीं हो पाया, क्योंकि मैं बैठा हूँ, मुझे पता है इस टाइम इसमें वाइब्रेटर फील हो रहा है मुझे काफ़ी। भाई, इसकी कॉस्टिंग क्या रहेगी दोनों सीटों की? अगर दोनों सीटों की कॉस्टिंग जो है इस टाइम पे इसकी 38,000। इसमें सब फिटिंग वगैरह होके, सब इसमें प्रॉपर फिटिंग वगैरह, सीट कवर आएंगे या नहीं आएंगे 38,000 में? इसमें 38,000 में आप अलग से एक्स्ट्रा कराते हैं, उसके 5,000 अलग से एक्स्ट्रा है इस सीट के ऊपर। नहीं, ये सीट के ऊपर आपके सीट कवर साथ में आएंगे, बट अगर आप बैक साइड के लेते हैं वो सीट कवर लगे हुए हैं, वो उसके मैचिंग के, वो आपके मेरी ओरिजिनल सीट है वो, ठीक है। तो उस पर आपने 5,000 का वो सीट कवर लगवाया, 5,000 है वो, अलग से 5,000 है, ओके। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, में एक जो खास चीज़ एक और लगी हुई है इसके अंदर, ये रूफ आपने देखा होगा, स्टार लाइट्स, जो कि जो सिगर अपना जो लाइटर होता है 12 वोल्ट का चार्जर, यहाँ से स्टार लाइट्स जाती हैं छत पे, जो कि रात को ब्लिंक काफ़ी अच्छी करती हैं, बट ये कुछ डिफरेंट चीज़ है इसमें, एक यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ है, कुछ जो स्टार लाइट का होता है ऑप्शन, वो जो प्लग होता है वो नहीं लगा हुआ है, ये एक तरह से रोल्स रॉयस जो छत आती हैं वैसे हैं, क्योंकि इसमें जो लाइट्स हैं वो अंदर इंस्टॉल है यहाँ पे इसके अंदर, बाहर से कुछ नहीं है। अभी आपको दिखेंगे नहीं, मैं आपको गाड़ी थोड़ा जब थोड़ा लो लाइट में जाएंगे तो आप देख सकते हैं इसमें आपको रूफ पे कितने अच्छे दिखेंगी वो, साथ में इसमें एम्बियंस लाइट भी लगाई हुई है।
जो भी हम अभी जाके दिखाएंगे वहाँ पे स्टोर। ठीक है, और भाई ने इसमें 7D मैट्स लगवाए हैं, जो कि भाई मैट की कॉस्टिंग क्या है? मैट की जो कॉस्टिंग है इसकी 6000। ठीक है भाई, मैट की आपको कॉस्टिंग बता 6000 है। कौन सी कंपनी है भाई ये? अपना मैट्रिक्स कार के, मैट्रिक्स के नाम से, मैट्रिक्स के नाम से। और जो सीट कवर है वो भी मैट्रिक्स मैट्रिक्स से ही है, मैट्रिक्स से ही ना सीट कवर भी। ओके, और आप इसमें देख रहे हैं फ्रेंड्स, भाई ने इसमें एंड्रॉयड सिस्टम लगवाया है। ये किस चीज़ का भाई एंड्रॉयड सिस्टम? फोर एक्सपायर। हाँ। तो इसमें भाई जो एंड्रॉयड की एप्स हैं कंप्लीट वही यूज़ होती है। इसके अंदर भाई ने जियो सिम डाली है, जो कि इसमें अपना जो नेट वगैरह है, जो GPS वगैरह है, आप यूट्यूब वगैरह कोई भी एप्लीकेशन चला सकते हैं। तो इसकी कॉस्टिंग क्या रही होगी भाई? इसकी जो कॉस्टिंग है 28,000, क्योंकि इसके अंदर GPS ट्रैकिंग सिस्टम भी है, सब कुछ इसके अंदर इनबिल्ड है। इसके अंदर आप सिम डाल सकते हैं, मार्केट में जो मिलता है उसमें सिम का ऑप्शन नहीं होता, इसमें सिम का ऑप्शन भी है। तो आप फ्रेंड, आप लोगों को पता लग गया कि आप इसमें सिम डाल के यूज़ कर सकते हैं, इसमें मार्केट में मिलता है उसमें सिम नहीं डलती है। आप इसकी फिनिश देख सकते हैं, बिल्कुल कंसोल में बिल्कुल एक्यूरेट फिट हो रखा है ये। और जो ये अपना स्टेयरिंग माउंट्स हैं, इससे कंट्रोल हो सकता है, आप देख सकते हैं इससे कनेक्ट है बिल्कुल ये। आप देख सकते हैं इसमें जो आप हर गाड़ी में नहीं हो पाता है, बट इसमें देखिए आप स्टेयरिंग माउंट से कनेक्टेड है ये। काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी अच्छा लगा भाई मुझे। तो इसमें आपने और क्या क्या काम करा भाई इसमें आपने? इसके अंदर एक तो हमने वही रूफ की जो लाइटें हैं वो लगाई हुई हैं, रूफ लाइट में हम गाड़ी को लो लाइट में इसके अंदर हमने एम्बियंस लाइट लगाई हुई है जो नाइट में अच्छा लगता है, जो इसके अंदर अपने कप्स होल्डर में है इसके अंदर है। ये अभी हम जाके वहाँ पे दिखाएंगे आपको, लो लाइट में चलते हैं वहाँ दिखाते हैं गाड़ी को। और इसमें मैं एक फ्रेंड्स आपको एक खास चीज़ बता दूँ गाड़ी के अंदर, इसके जो आउटर है इसके ऊपर यहाँ पे इस गाड़ी के ऊपर PPF की जो कोटिंग है वो रखी है। आप लोग देख सकते हैं इसमें शाइन देख सकते हैं गाड़ी के अंदर कितनी है, क्योंकि इस पर PPF कोट हो रखा है। एक तरह से जो लेमिनेशन फिल्म जिसको बोलते हैं वो इस पर हो रखी है। आप देख सकते हैं कितनी शाइन गाड़ी कर रही है इस टाइम। तो भाई इसकी जो PPF इस पर हो रखा है, इसकी कॉस्टिंग क्या रही होगी? PPF की जो कॉस्टिंग है स्मॉल कार स्टार्टिंग 65,000। तो फ्रेंड्स आपको बता देता हूँ, ये गौतम भाई का ही ग्लोशन शाइन करके रोहिणी में और गुड़गांव में इनका खुद का ग्लास इस PPF कोटिंग का और कार डिटेलिंग का काम है, जो कि ये भाई की खुद की गाड़ी है, इन्होंने अपने गाड़ी पर काम करवाया है। अगर किसी भाई को इनसे काम करवाना हो डिटेलिंग का, ऑप्टिक कोट या फिर PPF कोटिंग से रिलेटेड, तो आप गौतम भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं इनका आपका नंबर शेयर कर दूँगा, आप इनसे बात कर सकते हैं डायरेक्टली। तो और भाई इसमें बाहर कुछ और काम करा है आपने इसमें? बस इसमें अपने अलॉय व्हील्स लगवाए हैं, टायर्स लगाए हैं, एक रिफ्लेक्टर लाइट्स हैं जो अपने। ठीक है, वो आप लो लाइट में चल के दिखाते हैं कैसे क्या है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं एक बार लो लाइट एरिया में, जहाँ पे आपको रूफ का दिखाते हैं और अंदर जो एम्बियंट लाइट का काम हुआ है वो दिखाते हैं। तो गौतम भाई मुझे ये बताओ, इस जैसे सिटिंग है आपकी, ये जो अपने स्पोर्ट्स सीट लगाई है, इसमें वाइब्रेटर भी है, इसमें हीट भी है, तो ये किस चीज़ से कैसे क्या बैटरी से कनेक्टेड है, कैसे क्या कनेक्टेड है? ये बैटरी से कनेक्टेड है, इसमें वारंटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि ये डायरेक्ट बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट है इसका। तो इसमें इसकी जो वोल्टेज है वो 1 वाट भी नहीं लेती पूरी सीटें वगैरह। तो इसमें ये कि बहुत से लोग कहते हैं कि सर वारंटी में मतलब दिक्कत ना आए हमारी, पर वारंटी में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन हम जो सीट्स का है वो डायरेक्ट बैटरी से लेते हैं, तो इसमें कोई वायर कट नहीं होती। तो भाई बैटरी डाउन होने का इशू हो तो नहीं, ये पूरी मतलब सीट जो 1 वाट लेती है, 1 वाट भी नहीं ले पाती है। ठीक है, वैसे चीज़ काफ़ी अच्छी है, किसी भाई को इंस्टॉल करवानी हो गाड़ी में भाई तो करवा सकते हैं। दोनों सीटें 38,000 की कॉस्टिंग की है, और आप डायरेक्ट गौतम भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप ही बिल्कुल हेल्प करेंगे। तो जो भी डिटेल्स होंगे इन कॉन्टैक्ट से मैं आपको शायद बिल्कुल शेयर करूँगा। तो चलिए चलते हैं गाड़ी के लो लाइट एरिया में, ले चलते हैं आपको रूफ की जो लाइटें हैं वो दिखाएंगे, और जिसमें एम्बिएंट लाइट काम हो रखा है वो दिखाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं रूफ लाइट, ये है वो रूफ लाइट जिसका बता रहे थे, जो कि जिसका जो पावर चार्जर है वहाँ से कोई इसका सेटअप तो नहीं है, ये डायरेक्ट है रूफ में, और ये इनबिल्ट लाइटें हैं रूफ के अंदर की। ये रूफ का काम ही ऐसा हो रखा है कि आप लोग लाइटें देख सकते हैं इनबिल्ट हैं, स्टार लाइट्स जैसे रोल्स रॉयस वगैरह हम बताई थी भाई ने, रोल्स रॉयस की लाइटें होती हैं ऐसी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं रूफ लाइट जो स्टार लाइट जिसको बोलते हैं हम, ये कुछ डिफरेंट है। इसमें जो अपना पावर सॉकेट चार्जर है वहाँ से इसका कोई लेट नहीं करती है ये, कोई इसमें कुछ अडेप्टर वगैरह कुछ नहीं लगता है, ये डायरेक्ट है, जो कि आप देख सकते हैं कैसी लग रही है रात में और ज़्यादा अच्छी लगी देखने में। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स उसमें गाड़ी में जो है एम्बिएंट लाइट का काम हो रखा है, ये इसमें एम्बिएंट लाइट है भाई। इसमें एम्बिएंट लाइट में कितने कलर लगे हुए हैं? इसमें अपने 5 कलर है, एक बार करके दिखाएंगे 5 कलर्स को, इसमें चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इसमें मल्टी कलर भी है, इसके अंदर 8 कलर्स की लाइट है ये, जो कि रिमोट से होती हैं। आप देख सकते हैं ये फुटस्टेप लाइट रनिंग में है, काफ़ी अच्छी लग रही है। इसका ये रिमोट है जिससे ये लाइटें मैनेज होती हैं इससे। इसकी कॉस्टिंग क्या रही भाई? इसकी 7500।
7500 ये सारी इसकी जितनी लाइट्स हैं, ये फुटस्टेप आपको कितने कॉस्टिंग का है? ये 2500। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, जो बोटल कंसोल है साइड में डोर्स के, इसमें भी लाइट हैं, ये इसमें भी ब्लिंक करती हैं, इसमें भी कलर चेंज होता है इनका। आपको बाहर दिखाता हूँ एक बार, इसमें बाहर जो हेडलाइट में पाइपिंग लगी हुई है, इसमें हेडलाइट में ये हमने इसमें डीआरएल फिक्स किया है, जो कि ये अंदर की पाइपिंग है ये लगी हुई है इसके अंदर। इसकी पाइपिंग कॉस्टिंग, इसकी पाइपिंग की 2000। ये जो हेडलाइट की पाइपिंग है फ्रेंड्स की 2000 कॉस्टिंग है, जो कि ये भी बैटरी से कनेक्ट होगा ना। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड, इसमें ये जो एम्बिएंट लाइट है ये पीछे भी है, सीट के नीचे भी आप देख सकते हैं इसको ऐसे, और ये डोर्स में भी है कंसोल जो है इसके, उसमें भी इंस्टॉल है। रूफ की लाइट, रूफ लाइट्स आप देख सकते हैं, ये स्टार लाइट्स देखेंगे तो काफ़ी अच्छी लग रही है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो करते हैं हम एंड, और जैसे आप लोगों ने देखा i20 का कितना का काम हो रखा है विद प्राइसिंग हमने शेयर किया आपके साथ। अगर आप लोगों को किसी भी वीडियो एसेसरी के बारे में कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और जो हमने प्राइसिंग आपको बताई है ये मे बी दिल्ली में इतनी है, तो दिल्ली से बाहर ऊपर नीचे हो सकती है, तो एक्यूरेट हम इस प्राइसिंग का कोई क्लेम नहीं करते कि इतनी ही प्राइसिंग होगी, हम इससे ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो अगर आपको PPF के रिगार्डिंग या फिर रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, को आपको आपको अगर आपको आपकी गाड़ी में करवाना है ये सब चीज़ें, कोई i20 है या फिर कोई भी गाड़ी है, तो किसी भी गाड़ी में चीज़ हो सकती है इंस्टॉल, ऐसा नहीं कि सिर्फ i20 में होगी, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आपका कॉन्टैक्ट बिल्कुल शेयर किए जाएंगे। और जैसे आप किसी भी गाड़ी में क्रेटा या फिर एंडेवर, फॉर्च्यूनर, मस्टैंग, जितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, स्पोर्ट्स कार्स, किसी भी कार से रिलेटेड आप ये चीज़ें हमसे पूछ सकते हैं। PPF हो गया, PPF कोट हो गया, जो भी आपको सिरेमिक कोटिंग करवानी है तो आप गौतम भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको मैं कॉन्टैक्ट बिल्कुल शेयर करूँगा। और आप क्रेटा देख सकते हैं यहाँ पे। तो अभी जो रिसेंट है वो क्रेटा का काम हो रहा है, आपको मैं दिखाता हूँ, ये आप देख रहे हैं इस टाइम इसमें क्रेटा में PPF काम हो रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो करते हैं एंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लिए गुड बाय।